इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। आज की जो वीडियो है वो वीडियो होगी आपके क्लास वन की फर्स्ट की जो इंग्लिश की सब्जेक्ट है उसका जो यूनिट 7 है उसका लेसन 2 सुंदरी हम पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे, उसके वर्ड मीनिंग जानेंगे और उसके बाद उसकी मीनिंग को समझेंगे, स्टोरी समझेंगे, स्टोरी क्या है, उसके जो वर्ड मीनिंग वो याद कर लेंगे, ठीक है ना, वो हम करेंगे। और साथ में अगर आपको और भी इससे इसके पहले की वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर देखो उंगली वाला एरो दिख रहा है, उस पर एरो के देखो आई लिखा होगा ऊपर कहीं, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो पर्टिकुलरली पूरी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक के पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जाके जरूर देखो, आपको काफ़ी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं हम अपने वीडियो पे। पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर चलेंगे हम हिंदी मीनिंग पर। अगर आपके पास बुक है ज़रूर बुक रख लीजिए क्योंकि आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है, बिग। बिग मतलब क्या होता है, बड़े, मतलब बड़े होता है ना, जो बड़े होते हैं एकदम। वैन मतलब जब या कब। देखो जब हम जब कोई बात बता रहे होते हैं, जब कुछ कहना चाह रहे होते हैं तब जब लगाते हैं। और कब कब होते हैं लगाते हैं, जब हमको कोई क्वेश्चन पूछना होता है या पूछ रहे होते हैं तब। मेड मतलब बनाया गया या बनाया। स्माइल मतलब मुस्कुराया या मुस्कुराना, जब आप मुस्कुराते हैं, छोटा बच्चा मुस्कुराता है 1 साल का 2 साल का, इतना अच्छा लगता है ना, मुस्कुराया, स्माइल्ड। फिर ब्यूटीफुल, सुंदर, जो सुंदर होता है ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कितनी सुंदर कार है, कितना सुंदर बटरफ्लाई है। कॉल मतलब बुलावा या बुलाया, जो कॉल आपको आता है बुलाना होता है ना, कॉल, मम्मी बुला रही है, मम्मी इज़ कॉलिंग, ऐसे। सेड मतलब कहा, जो बात आप कह चुके होते हो उसके लिए सेड लगा। तो जैसे मान लो कि आप घर पे आए, फिर बोलो कि मम्मी टीचर ने कहा है, टीचर ने कहा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो उसको इंग्लिश में क्या होगा, मॉम टीचर सेड आई शुड स्टडी मोर, इस तरीके से ना, सेड, सेड मतलब कहा। फेयर मतलब निष्पक्ष या मेला। अब देखो निष्पक्ष क्या होता है, जब आप जो दो लोग होते हैं, दोनों लोग के किसी एक का आप साइड नहीं लेते हो, किसी एक का पक्ष नहीं लेते हो, आप दोनों लोग की बात सुनते हो, उसके हिसाब से आप अपनी बात रखते हो, तो उसको निष्पक्ष कहते हैं, फेयर कहते हैं। और मेला क्या होता है, जो नॉर्मली गांव में लोग नहीं होता है कि फेस्टिवल पे त्यौहार में मनाते हैं, जो ढेर सारा मेला होता है उसको, सब सब लोग बजा लगा रहते हैं उसको। फिर बैंड मतलब गिरोह या बजाने वाला, बजाने वाले या गिरोह। गिरोह क्या होता है, ग्रुप, जैसे आप 5-6-7 लोग का, 10 लोग का, 20 लोग का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंड। प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो बोलोगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे। एवरी मतलब हर कोई, एवरी वन मतलब हर कोई, सब कोई। कैरिंग मतलब ले जाना, किसी चीज़ को ले जाना या ले आना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एवरी वन मतलब हर कोई। फिर लिखा है लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा, बस बोलते हैं लॉट्स ऑफ लव, ढेर सारा प्यार, ठीक बोलते हैं ना लोग। तो राउंड मतलब गोल या चक्कर, तो गोल, जो गोल होता है। अच्छा बताइए बेलन कैसा होता है, बेलन का ऊपर वाला हिस्सा। ये बताइए कि बॉल कैसा होता है, गोला होता है। लुक्ड मतलब देखा, जब आप कुछ देखते हो, देखो एक होता है वॉच, वॉच मतलब एकदम ध्यान से देखना जब कोई चीज़ मूव कर रही हो। लुक्ड कब लगाते हैं, जब कोई मूव ना कर रही हो फिर उसको हम बहुत ध्यान देखना, तो लुक्ड। और सी मतलब नॉर्मली देखना, तो लुक्ड कब लगता है, जैसे आई लुक्ड दैट वॉच, मैंने उस घड़ी को देखा, लुक्ड, ठीक है, बस नॉर्मली देखा, उसके अंदर के टाइम को नहीं देख रहा हूँ कितना बज रहा है, बस मैंने घड़ी को देखा, अच्छा लग रहा था, तो लुक्ड लगाएंगे। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है, जिस मतलब हम सुनते हैं ना कि इंडिया का स्पेस मून पे चला गया, इंडिया का स्पेन मार्स पे चला गया, मंगल पे चला गया, तो स्पेस क्राफ्ट चला गया, तो जो जगह जाता है, जो खाली जगह है अर्थ और सन मून के बीच में, उसको हम स्पेस कहते हैं, ठीक, अंतरिक्ष। फिर उड़न मतलब होता है लकड़ी का होता है, लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का टेबल। फ्लाई मतलब उड़ना, जो पंछी उड़ते हैं, है ना, वो। हिज मतलब उसके या उसका, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जैसे उसका, उसकी कॉपी, उसका किताब, उसका पेन, उसका घर, उसका परिवार, तो उसको हम हिज लगाते हैं इंग्लिश में। लुक्ड मतलब ऐसे होता है देखा, लेकिन यहाँ उसके लिखा, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई, वहाँ उसका होगा। लुक्ड मतलब क्या होता है, उसका, चौथा जो वर्ड है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, आउट, आउट मतलब बाहर होता है ना, क्रिकेट में होता है आउट। होल्डिंग, जागीर या पकड़े रहना या
जागीर कि ये मेरा है, ये मेरा है, उसको आप रखे रहते हो। हाई मतलब ऊंचा। देखो बड़ा क्या होता है, बड़ा मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब कि कोई बड़ा है आपसे वो। और पफ ऊंचा, पफ मतलब ऊंचा होता है, लेकिन एक और मीनिंग होती है, वो अभी अभी हम पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें समझ जाएंगे कि स्टोरी में पफ मतलब क्या होता है। फिर है केम, के मतलब आ गया। एक होता है कम, कम मतलब आना, बोलता है कम इन, जब मैम बोलती कम इन मतलब अंदर आ जाओ, इन मतलब अंदर, कम मतलब आना, और के मतलब आ गया या आया। ठीक, अलॉन्ग किसी के साथ, नॉर्मली साथ में किसी के साथ भी, तो उसको अलॉन्ग बोलते हैं। स्टार्टेड चालू हो गया या चालू हो गया, सॉरी चालू करना है, चालू हो गया। फ्लाई अप उड़ान, ऐसे जो उड़ान क्या होता है, जब कोई चिड़िया या जो कोई प्लेन उड़ान भरता है तो उसको बोलते हैं फ्लाई अप कर रहा है वो, मतलब कि वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक, फ्लाई मतलब उड़ना और अप मतलब ऊपर, फ्लाई अप मतलब उड़ान ऊपर की तरफ। फिर लिटिल मतलब छोटा सा, बिग मतलब बड़ा, तो लिटिल मतलब छोटा। लॉन्ग टेल मतलब लंबी पूंछ, टेल मतलब पूंछ जो जानवर की होती है, और लॉन्ग मतलब लंबी। शूड, शूड मतलब बाहर किया या बाहर रखा, तो बाहर रखा या बाहर किया करना, करना क्या कहते हैं शूड। अवे मतलब दूर, अवे मतलब क्या होता है दूर, जब किसी जैसे बोलते हैं ना कि मेरा घर उसके घर से बहुत दूर है, तो माई हाउस इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, ऐसे बोलते हैं ना, फार अवे, फार मतलब बहुत और अवे मतलब दूर। ठीक, फिर अगेन मतलब फिर से या दोबारा, होता ना कि मैं फिर से पास हो गया, तो आई अगेन पास द एग्ज़ाम। ठीक है ना, लिव्ड अप, इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ, लिव्ड अप, क्या पढ़ते हैं लिव्ड अप, इस लांग दिया गया, कोई चीज़ आप लांग देते हो, मतलब लांग देना मतलब पार कर देना, जैसे मतलब कोई आप घर से बाहर चले गए तो आप लांग दिए, घर का आपने जो बॉर्डर था उसको लांग दिया आपने, उसको पार कर लिया। टग्ड पर टंगा हुआ, जब कोई टंगा हुआ तो उसको टग कहते हैं, ठीक है ना, तो टग्ड बोलते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब तार, तार होता है ना, जैसे गिटार में तार होता है, गिटार आप जानते हो, या नॉर्मली जो कोई भी तार होता है, तो जो स्ट्रिंग होता है जो लगातार बनी होती है, उसको भी हम तार कहते हैं, क्या कहते हैं तार। फिर वी, वी मतलब मट्ठा, मट्ठा जानते हो ना मट्ठा, वो एक और मीनिंग होता है वी का, वो हम देखेंगे। एक और फीलिंग होता है भाव, उसको भी हम वी वी बोलते हैं वो। क्राइड मतलब रोया या चिल्लाया, रोया या चिल्लाया, जब कुछ बहुत तेज चिल्लाया होता है तो उसको क्राइड कहते हैं, या रोया होता है तो उसको रोया बोलते हैं। एज हाई एज, जितना ऊंचा हो, जितना ऊंचा हो। फिर लिखा है वेंट, वेंट मतलब चला गया, वेंट मतलब क्या होता है चला गया, गो मतलब जाना होता है, और चला गया मतलब वेंट। ठीक, सेकेंड फॉर्म है गो का वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है गो का। फिर है फ्ल्यू अप, फ्ल्यू मतलब उड़ जाना, अभी हमने फ्लाई अप पढ़ा था, उड़ान, उड़ान या उड़ान भरना या उड़ान, और फ्ल्यू अप मतलब उड़ गया, उड़ा मतलब कि उड़ जाना। अप इन द एयर, अप मतलब ऊपर, इन द एयर मतलब हवा में या आसमान में, तो अप इन द एयर मतलब ऊपर हवा में। तो ये सब जो कुछ वर्ड मीनिंग थे, अभी हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये स्टोरी आएगी, इस सब वर्ड मीनिंग आएगा, तो ज़रूर इसको ध्यान से लिख लीजिए। और अभी कुछ कुछ वर्ड मीनिंग जो इसमें आया है, हो सकता है एग्जैक्ट सेम मीनिंग ना थे किताब में, थोड़ी थोड़ी अलग हो, तो हम जब पढ़ने जाएंगे तो वो सब मीनिंग हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं हम डायरेक्ट अब मेन स्टोरी पे, चलिए चलते हैं। तो बच्चों चैप्टर क्या नाम है, चैप्टर का नाम है सुंदरी, क्या नाम है सुंदरी। लिखा है रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, चलिए इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं स्टोरी को। ठीक है ना, अगर आप क्लास वन के बच्चे हो तो जरूर मेरे साथ रिपीट करिए, रिपीट करिए, और अगर आपको छूट जा रहे हो तो फिर से आप वीडियो को फिर से पीछे लेके जाइए, फिर से इसको रिपीट करिए। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी वॉज अ बिग रेड मतलब सुंदरी, एक सुंदरी नाम है पतंग का, वो बहुत बड़ी पतंग है, जो बहुत बड़ा रेड है, दिख रहा है फोटो में आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, रेड रेड दिख रहा है, और क्या दिख रहा है वाइट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है ब्लू दिख रहा है। तो जो सुंदरी है वो रेड रेड कलर में है, वाइट कलर में है, सफ़ेद कलर में है, और ब्लू और नीले कलर में की काइट है, काइट मतलब पतंग है, कौन सुंदरी। लिखा है व्हेन बॉबी मेड हर, जब बॉबी ने उसको बनाया, क्या किया बनाया, जब बॉबी ने उसको क्या किया बनाया, क्या किया मेड मतलब बनाया, तो जब बॉबी ने उसको बनाया
मैं इसको थोड़ा बढ़िया कर दे रहा हूँ। हाँ, वैन वैन रिपीट करिए, वैन बॉबी, वैन बॉबी मेड हर, जब बॉबी ने उसको बनाया, मेड मतलब बनाया, हर मतलब क्योंकि सुंदरी क्या लड़की का नाम होता है, तो काइट को उसने लड़की माना है, तो जब उसने पतंग बनाई मतलब कि काइट बनाया, शी स्माइल एट एम, वो उस पर हंसी या उस पर हंसती थी, जब वो उसको बनाया था तो वो उस पर हंस रही थी, खुश हो रही थी, अर्थात वो खुश हो रही थी कि भाई तुमने मुझे बनाया, तो वो खुश हो रही थी। फिर देखो क्या लिखा है, यू आर, देखो ये जो कॉमा लगा ना बेटा, ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो कॉमा लगा है ना, इस कॉमा का मतलब होता है, ये डबल कॉमा लगा आपको यहाँ दिख रहा है वाई से पहले और यहाँ भी वाई आई के बाद, वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब वही बात लिखी गई है जो उसने कही थी, जैसे आपने कोई बात एग्जैक्ट वही कही हो जो जो आपने कही थी और किसी और को कहे, जैसे आपने कोई बात कही या मैम ने कोई बात कही, आप घर पे आके बोलते मम्मी मैम ने कहा है कि तुम अपनी मम्मी को लेते आना, तो आपने क्या किया, मैम ने जो कही बात वही एग्जैक्ट आप अपनी मम्मी से कह रहे हो, तो आप ये कॉमा लगाओगे जब आप लिखोगे इसको, बोल रहे समय कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखते समय आप ये डबल कॉमा लगाते हो, लिखा है इसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं या आपको रेस्ट कॉमा भी कहते हैं, लिखा यू आर ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो, या सिंपल तुम सुंदर हो, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, यू आर ब्यूटिफुल तुम सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, मैं आपको या मैं तुमको, आप मतलब यू मतलब आप भी होता है तुम भी होता है, तो मैं आपको पुकारूंगा या बुलाऊंगा सुंदरी, मैं आपको क्या बुलाऊंगा सुंदरी, ही सेड, उसने कहा, किसने, बॉबी ने, बॉबी कौन है, जो लड़का है जो पेंटिंग कर रहा है पे, जो बना रहा है काइट, काइट का नाम क्या है, काइट का नाम है सुंदरी, तो सुंदरी से वो कहता है कि यू आर ब्यूटिफुल तुम सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा, कौन बोल रहा है, बॉबी बोल रहा है। फिर लिखा है वन डे, एक दिन बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर, फेयर मतलब जैसे मैंने बताया मेला, दो मीनिंग होता है यहाँ, मेला मतलब है कि एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, बॉबी टुक, टुक मतलब ले गया, टेक मतलब ले जाना, टुक मतलब ले गया, तो बॉबी ने, बॉबी सुंदरी को कहाँ ले गया, मेले में, कहाँ ले गया, मेले में, ठीक। लिखा द बैंड वॉज प्लेइंग, बैंड मैंने बताया था बैंड की दो मीनिंग होती है, यहाँ बैंड की मीनिंग है कि जो वो बजाने वाले नहीं होते, चार पांच लोग जो मिलकर बजाते हैं शादी में देखते होगे आप, तो उसको बैंड कहते हैं। लिखा द बैंड वॉज प्लेइंग, बैंड था जो बाजा था वो बज रहा था, बाजा बजाया जा रहा था, एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग, और सभी लोग खुश थे, इसकी बात कर रहे थे, ये वाली लाइन पहली लाइन जो है जो स्क्रीन की अभी आपको दिख रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लिखा है एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग, और सभी लोग खुश थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर लिखा है अ मैरी गो राउंड, आपको तो ये फोटो में दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये बैठ के जो गोला, घोड़े बैठ के या किसी बैठ के हम जो गोल गोल घूमते हैं उसको मैरी गो राउंड बोलते हैं, याद है ना चैप्टर मैरी गो राउंड, वेरी गुड, याद नहीं है तो जाके देख लीजिएगा जो मैंने बताया था आपको, वहाँ पे आई अब भी दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करिएगा वीडियो मिल जाएगा। लिखा है अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, ट्यून मतलब वो एक प्लेइंग खेल रही थी, अर्थात जो मैरी गो राउंड है उसमें सब लोग बच्चे क्या अच्छे अच्छे ट्यून में, अच्छा ट्यून, ट्यून मतलब होता है अच्छे लय में, वो लोग अच्छी अच्छे तरीके से वो उसमें क्या कर रहे थे, खुशी होकर खेल रही थी, कौन, अ गो मैरी गो राउंड, सॉरी अ मैरी गो राउंड, वो खेल रही थी अच्छे तरीके से। और क्या फिर लिखा है इट, इट क्यों लिखा, क्योंकि ये कोई सामान है, कोई नॉन लिविंग थिंग, इसलिए इट लगा है। इट वॉज कैरिंग, कैरिंग मतलब ढोना या लेना, ले जा लेना, लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल, लॉट्स मतलब ढेर सारे, तो कई सारे, तो उसने कई सारे लड़कों को लिया था, कैरी किया था, झूला क्या होता है, पाँच झूला होता है, पाँच छः झूला झूला होता है उसमें मैरी गो राउंड में, जहाँ गोला गोला घूमता रहता है, तो वो लिखा है। फिर लिखा है राउंड एंड राउंड, गोला और गोला, ये देखो ये लाइन, ये यू लाइन, ठीक है ना, क्या लिखा है राउंड एंड राउंड, गोला और गोला वो घूम रहा था, ऑन इट्स वुडन एनिमल, वुडन एनिमल क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, तो जो मैरी गो राउंड के, मैरी गो राउंड में क्या होता है, लकड़ी का घोड़ा बना होता है, उस पर बच्चे बैठ के झूला झूलते हैं, गोला गोला घूमते हैं, तो वही लिखा है कि इट वॉज कैरिंग, वो कैरी की थी, वो ली हुई थी, लॉट्स ऑफ बॉय, ढेर सारे लड़कों को एंड गर्ल्स, और लड़कियों को भी, पीछे यहाँ दिख रहा है ना, लड़का दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है, ऐसे कई लड़कों लड़की लड़के लड़कियों को मैरी गो राउंड ने, जो गोल गोल घूमता है उसने इसको लिया हुआ था, ठीक। फिर लिखा है ऑन इट्स वुडन एनिमल, अपने वुडन अपने लकड़ी के बने हुए एनिमल पे वो बैठा के उस पर कैरी कर रही थी, घुमा रही थी। फिर लिखा है बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस, बॉबी मतलब जो बॉबी कौन, जिसने पतंग बनाई थी, पतंग क्या नाम था, सुंदरी, याद है ना,
का बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन, ओपन मतलब खुला, स्पेस मतलब जगह, अंतरिक्ष भी होता है जो मैंने बताया था, यहाँ मतलब होता है कि खुला जगह। तो बॉबी क्या कर उसने क्या देखा, एक खुला जगह देखा, वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो दौड़ सकता था, जहाँ वो क्या कर सकता था, दौड़, रन रन मतलब दौड़ना, तो जहाँ वो दौड़ सकता था एंड फ्लाई हिज काइट, और अपने पतंग उड़ा सकता था। छोटे बचपन में हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के पतंग उड़ाते हैं ना, ये बड़े आते हैं तो अलग तरीके से उड़ाते हैं, नहीं तो हम लोग दौड़ के ही पतंग उड़ाते हैं, सभी लोगों ने उड़ाया होगा दौड़ के। लिखा है एंड फ्लाई हिज काइट, फिर लिखा सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी फिर सुंदरी ने भी उसको देखा, किसको, उस जगह को देखा जहाँ पे बॉबी अच्छे तरीके से पतंग उड़ा सकता था दौड़ कर, समझ में आ रहा है ना, फ्लाई मतलब उड़ाना। फिर लिखा आउट इन द ग्रास रैन बॉबी, मतलब कि उस ग्रास के ऊपर या ग्रास से बॉबी दौड़ा, बॉबी क्या किया, दौड़ा, रैन मतलब दौड़ा, आर ए एन जो लिखा देखो यहाँ पे, आर ए एन मतलब था दौड़ा। फिर लिखा होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, अपने होल्डिंग मतलब पकड़े था, उस होल्डिंग अप मतलब पकड़े रहना या लिए रहना, तो वो लिए था किसको, काइट को लिया था एज हाई एज ही कुड, एज हाई देखो एज हाई एज मतलब था जितना हो सकता है, जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा वो उसको किया हुआ था, लिया हुआ था, ठीक। फिर लिखा पफ द विंड केम अलोंग, अरे मैंने बताया था ना पफ मतलब और मीनिंग होता है, तो पफ मतलब, तो यहाँ पफ मतलब क्या है, झटका। द विंड केम अलोंग, विंड था वो साथ में आया, केम मतलब साथ में, अलोंग सॉरी केम अलोंग, अलोंग मतलब क्या होता है साथ में, और केम मतलब आया, पफ द विंड मतलब पफ वो जो झटके से हवा आया वो आया, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, क्योंकि जब आप दौड़ते तो क्या होता है हवा बनता है ना, हवा मतलब दौड़ते तो थोड़ा सा हवा तेज होती है, फिर पतंग अपने आप ऊपर खींचता है, तो लिखा है सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, फ्लाई मतलब ऊपर की उड़ना, तो जो सुंदरी थी उसने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया उड़ना आसमान में, ठीक है ना। फिर लिखा है बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी, बट मतलब था लेकिन, शी कुड नॉट गो वो नहीं जा सकती थी, कहाँ, वेरी हाई बहुत ऊपर वो जा नहीं सकती थी, क्यों, क्योंकि आगे लिखा है, यहाँ दिख रहा ना क्या हो रहा है, कुत्ता क्या पकड़ा हुआ है, उसकी पूँछ पकड़ा हुआ है, वही लिखा है बट, हो गया बट वाला। फिर लिखा है अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, अ लिटिल डॉग, एक छोटा डॉग क्या किया है, वॉज होल्डिंग पकड़ा हुआ है, होल्डिंग मतलब पकड़े रहना, तो पकड़ा हुआ है ऑन टू हर लॉन्ग टेल, जो उसकी लंबी से पूछ देख रही, कितनी लंबी पूछ है पतंग की, तो उतनी लंबी पूछ को डॉग ने क्या किया, पकड़ा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा ऊपर वो उड़ नहीं पा रही है। इट वॉज इन हिज माउथ, और जो पूछ है पतंग की वो किसके हाथ में है, वो कुत्ते के मुंह में है, ठीक है, किसके मुंह में है, कुत्ते के मुंह में, माउथ मतलब मुंह, तो कुत्ते के मुंह में क्या है, सुंदरी का पूछ है जो बेचारी ऊपर नहीं उड़ पा रही, समझ में आ गया। फिर आगे लिखा है बॉबी शूट द डॉग अवे, शूट मतलब भगाना, तो मतलब बोलते ना यहाँ जाओ, तो बॉबी शूट द डॉग अवे, बॉबी ने क्या किया, कुत्ते को भगा दिया, किसको भगा दिया, कुत्ते को। विल ट्राई अगेन बॉबी सेड, बॉबी ने फिर कहा कि हम फिर ट्राई करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, पिछली बार तो गड़बड़ हो गई थी, कुत्ता आ गया था, हम फिर से ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड, बॉबी ने कहा कि हम फिर से ट्राई करेंगे। फिर लिखा है दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर, और इस मतलब इस समय सुंदरी ने लिफ्ट किया मतलब हवा की तरफ वो ऊपर उठी, कैसे उठी, वो हवा की तरफ ऊपर गई, लिफ्ट मतलब वही ऊपर जाना, तो हवा के साथ में या हवा में ऊपर उठी। शी टंग्ड हार्ड, वो तन गई या टंग गई, देखो टंगना मतलब बहुत ज़्यादा तन जाना, तो टंग मतलब टंगना होता है, टांग कोई चीज़ टंग जानी, जो टांगते हैं कपड़ा टांगते हैं कुछ टांगते हैं ना, तो वही तो टंग जाना मतलब जो पतंग की बात करते हैं तो टंग जाना मतलब बहुत टायर हो जाना, रस्सी जो होती है वो क्या होती है बहुत टायर हो जाती है, उसको हम टंग जाना कहते हैं। लिखा शी टग्ड हार्ड, वो बहुत ज़्यादा टग्ड हो गई, बहुत कट वो हो गई, हार्ड हो गई, बहुत तन गई। ओह हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर सेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वो रस्सी, वो धागा जिससे वो बनी हुई थी। ओह अरे आश्चर्य हो रहा, थोड़ा शॉक भी लग रहा है। ओह हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, कैसे हुआ क्या कि जब वो ऊपर की तरफ गई तो वो टूट गया, उसका जो रस्सी था दिख रहा है ना फोटो में टूट गया है, वही लिखा है हाउ शी वॉन्टेड, कैसे वो चाहती थी बॉबी टू लेट गो
लेट गो मतलब जाने दे, ऑफ हर स्ट्रिंग कह मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि भाई की जो पतंग है उसने उसने बॉबी को जाने दिया, मतलब एक तरीके से बॉबी को छोड़ दिया कि वो उसकी रस्सी छोड़ दे। मैं फिर समझा दे रहा हूँ क्या लिखा, ओह शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो, लेट गो मतलब जाने देना। तो ओह अरे वो जो सुंदरी है वो क्या कह रही है कि वो चाहती थी कि वो बॉबी उसको जाने दे, किसको, उसके रस्सी को, ऑफ हर स्ट्रिंग उसके रस्सी को। शी गेव अ बिग टग, उसने बहुत बढ़िया उसको टक दिया, एक तरीके से स्माइल दिया, ये बोल सकते हो कि उसको उसने फेवर किया कि अरे बहुत बढ़िया की। बॉबी हैड टू लेट हर को, और बॉबी को उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा तन गई थी वो, तो बॉबी को मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा, कहने का मतलब बेचारा इतना हवा चल रहा था उसको तोड़ना पड़ा, उसने तोड़ दिया। बॉबी हैड टू, बॉबी को ये करना पड़ा था, लेट हर गो उसे जाने दिया, और उसे जाने के लिए बॉबी ने कोई प्रेशर नहीं किया और वो जा रही थी। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी चिल्लाई, वी मतलब कि अरे वाह, खुशी से आप वी बोलते हो, वी मट्ठा भी होता है और वी मतलब क्या होता है, जब बहुत खुश होते हो तब वी बोलते, वाह बोलते हैं ना आश्चर्य होता है, तो वैसे वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी चिल्लाई वाह मतलब कि वो खुशी बोले, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, ठीक है बोल रही है सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई, अब मैं उड़ सकती हूँ, फ्लाई मतलब उड़ना, अब मैं उड़ सकती हूँ, एज हाई एज जितना ऊंचा हो सके, देखो एज हाई एज मतलब जितना ऊंचा हो सके, आई प्लीज जितना जितना ऊंचा हो सके उतना मैं ऊंचा उड़ूंगी, आई प्लीज जिसमें मैं खुश हो जाऊँ उतना ऊंचा मैं उड़ूंगी, प्लीज मतलब क्या होता है खुश होना, क्या होना है खुश होना, ठीक। फिर लिखा है एंड शी वेंट, और फिर क्या लिखा है, शी वेंट वह गई, वो चली गई, कौन, पतंग दिख रहा है ना वो, देखो बॉबी बेचारा इंतजार कर रहा है, उसकी रस्सी टूट गई और वो ऊपर भागती जा रही है, क्या लिखा है देखिए, एंड शी वेंट, और वो चली गई, कौन कौन चला गया, वो या चली गई या गई, कौन गई, पतंग गई जिसका नाम सुंदरी था, एंड फ्ल्यू अप 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 इन द एयर, तीन बार आया है, एंड फ्ल्यू अप, फ्ल्यू मतलब उड़ जाना या ऊपर चले जाना, तो वो फ्ल्यू अप हो गई, फ्लाई अप का सेकेंड फॉर्म है कि वो ऊपर उड़ती गई, अप अप इन द एयर आसमान में उड़ती गई, यानी कि वो पतंग थी वो क्या हो गई, उड़ गई। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है नॉर्मली कि जिसको जो काम दिया गया है वो वही करेगा, पतंग का उड़ने काम है तो हम उसे, ठीक है हम उसे उड़ा रहे हैं लेकिन हमें उसके बांध के रखने का भी हक नहीं है। कहने का मतलब ये पतंग के उदाहरण देके जो पोएट है या राइटर ये समझा रहे हैं, चाह रहे हैं बच्चों ध्यान समझो, ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें सबको बांध कर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अपना ही खुद का हो, हमें उसको आज़ादी थोड़ी सी देनी चाहिए कि ताकि वो भी अपना निर्णय अपना काम कर सके। हर एक चीज़ को हम अगर हम समझाने लगेंगे छोटे बच्चों पे या छोटों पे प्रेशर करेंगे तो वो कब सीखेंगे अपने से, वो जब सीखेंगे अपने से जब उनको हम थोड़ी सी छूट देंगे, कुछ देंगे छूट, तब ठीक है ना। तो इसको स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, काइट का जगह छोड़ दो, काइट की जगह कुछ छोटा बच्चा होता तो वो थोड़ा सीखेगा, गिरेगा संभलेगा फिर अपने आप खड़ा होगा सीखेगा। तो इच्छी किसी तरीके से स्टोरी में राइटर ने ये बात समझाने की कोशिश की है। होप आपको सही लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, जो भी लगा कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिए और प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो सब्सक्राइब लिखा ना उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको मतलब सूचना मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का भी, नेक्स्ट वीडियो क्या है, फटाफट तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए, और आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।